हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौरिया स्वागत करता हूँ आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो संभव हो पाया हम तक वो हमने यहाँ पे लाया है। और रितेश जो है वो अभी इसका पूरा प्रयोग कराएंगे। इसमें हम लोग आज क्या करने वाले हैं, तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे। आप लोग शुरुआत वाला ही क्रियाकलाप में देखे थे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए थे। और फिर हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगा। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, गैस का निर्माण होता है, अवस्था में परिवर्तन, रंग बदलता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। इनमें से कुछ कुछ चीज़ों को भी हम लोग बच्चों को दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यही सब में से कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें से 4-5 प्रैक्टिकल अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हो? यस सर। और ऑनलाइन वाले बच्चे तो बाद में देख ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले मैग्नीशियम रिबन को ही बर्न करते हैं, ठीक है। आप लोगों को हमने क्या बताया था, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते थे मैग्नीशियम एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसा धातु है जो हवा के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, उसके ऊपर में ऑक्साइड हो जाता, ऑक्साइड का उसमें परत चढ़ जाता। ये जो परत है वो क्या करता है, जल्दी से मैग्नीशियम को जलने नहीं देता। इसलिए मैग्नीशियम को जलाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे। किससे? रेगमाल से। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल में हम लोग जला के, ठीक है। माचिस लाए? हम पीते होते नहीं हो सर। इसका मतलब आप भी नहीं पीते? कोई माचिस ऐसे रखा है क्या? फूटेगा। लाइटर रखती है यार। चलिए देखिए, आप लोग अगर देखे तो इसमें देखिए, अच्छा पता है मैग्नीशियम पर कैसा परत चढ़ता है, काला रंग का या लाल? सफेद। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे मैग्नीशियम जो है उसी रंग का है जिस रंग का आप सोच रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या था, पैक था। अब बोलिए इसमें पैक क्यों रखे होंगे, ताकि खराब नहीं हो, संचारित नहीं हो, बोलो हाँ या ना। तो ये मैग्नीशियम शायद ज़्यादा संचारित नहीं हुआ क्योंकि इसको ऑलरेडी क्या किए, पैक करके रखे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले हम देखते हैं ट्राई करके ये जलता है या नहीं जलता है। अगर जल गया तो वो क्या हुआ, संचारित नहीं हुआ। और नहीं जला तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ करेंगे इसको। मेरे पास रेगमाल नहीं है, ठीक है, रगड़ने के लिए हम यहाँ पे चाकू का प्रयोग करेंगे। अब ऐसी बदमाशी करिएगा तो सोच लीजिएगा, कल मेरा लाना है ढोके पर। भागना होगा क्या? ये प्रैक्टिकल जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है ऐसा पड़ाका फोड़ने के। चल देना, अरे मेरे चाहिए पड़ाका भी फोड़ने से पहले मैं शुरू से एक दिन लगा के दिन तोड़ो। बिना मतलब देखे उसने फेंक दिया तुरंत। तो खैर देखते हैं, कुछ दिक्कत ना। भागा भागा। दीजिएगा तो थोड़ा सा जला के छोड़। बात गजला बात, देखो जलने में भी कठिनाई हो रही है कि नहीं हो रही है? yes. अरे हाँ या ना बोलो। yes. जलने में कठिनाई क्यों हो रही है? इस पर ऑक्साइड का परत है, देखो। वाह ना, ले जाओ घर ले, छुरछुरिया है। वाह, अब देखिए यार, रुकिए हम ही दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। चलो अभी पहले के तुलना में मैग्नीशियम का जो ये रिबन, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसका कलर चेंज हो चुका। पहले देखे थे थोड़ा हल्का हल्का इसमें संचारित था, अब इसको हम लोग क्या किए, चाकू से इसको रगड़ लिए बढ़िया से, और इसका कलर क्या हो गया, पूरी तरह से परिवर्तित, ठीक है। अब हम इसको जला के देखते हैं, ये तुरंत जल जा या तो लेट करता है। और अब जब जलेगा ना तो आप लोग लाइट का इसको, इसका लाइट देखिएगा कैसे जलता है, ठीक है ना। लाइट ऑफ कर दें, बोले यार लाइट ऑफ नहीं हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सब ऑब्जर्व करिएगा इसका लाइटिंग इफेक्ट क्या है, ठीक है। यूट्यूब पर ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग जितना भी ऑफलाइन वाला बच्चा है फिर देखिएगा, ठीक है। और देखने के बाद फिर आप लोग भेजिएगा इधर उधर। तो चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को फिर से ये हम बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, ठीक है। और इस बार देखते हैं कि ये जल्दी जलता है या नहीं जलता, ठीक है। नहीं जले तो आप लोग हंसिएगा नहीं, मनाइएगा कि जल्दी जल जाए। वो था ना फ्लैश धरने से, बोले बाबा गिरी जा बाबा। फ्लैश इधर देखो, अरे मियो ये हिला कह रहा है इतना। तो आ दे रहे आप।
यार हम हंस बाहर है हद है, हिलाना नहीं है ठीक है। बस बस अभी जादू नहीं हुआ होगा तब। जला जला आ, जल गया बढ़िया से रगड़ाया नहीं है। देखे वेल्डिंग कर रहे हैं कितना अच्छा चल रहा है ना, किसी को दिखाइएगा क्या। तो बस यही था, धुआ धुआ हो गया यहाँ, मजा क्या कर, प्रैक्टिकल चल रहा है अभ्यास में। आपने थोड़ी देर पहले हिला रहा था, अब गिरा भी दिया क्या है सर, आवाज ही गिरा। आवाज देखो, आवाज गिरता अच्छी हद है, हाथ इतना हिलाना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को दिखा दिया ना। yes, sir. तो मैग्नीशियम का प्रैक्टिकल देख के आप लोगों को मजा आया। yes, sir. क्या आया यही देख के तुम्हें मजा लो ठीक। ज्यादा बड़ा रहने के कारण ना टूट जाता है, बोलता है कि जिसका बड़ा आता उसका टूट जाता है। ये बात तो सही था, बड़ा था टूट गया है कि नहीं। हाँ बोलो यार, तो ये बड़ा ले लिया था बेचारा। चलो पहला दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। इस रिएक्शन में क्या देखें, चलिए क्या क्या देखें इस रिएक्शन में हम लोग। अब आप लोग बताइए, हमको कुछ नहीं मालूम है, हम लोग यहाँ पे क्या जलाए, मैग्नीशियम को जलाए। मैग्नीशियम का बताइए परमाणु संख्या कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक में नहीं जानते हैं क्या, 2, 8 और 2। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर है कि नहीं है। अब इस तरह हम लोग समझे कि मैग्नीशियम जो है ये अपना बाहरी कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा या फिर देगा किसी को। अगर मैग्नीशियम देगा तो मैग्नीशियम पर चार्ज क्या बनेगा, +2 चार्ज बनेगा। क्या बनेगा, क्यों बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को वो त्याग किया। बात क्लियर है कि नहीं है। अब मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु, मेटल क्या है, मेटल। हम धातु लिख रहे, तुम लोग धोती नहीं लिख देना ठीक है। तो मैग्नीशियम एक प्रकार का क्या है, धोती धातु है, मेटल है। अब मैग्नीशियम रिवर को आप लोग घर में जला पाइएगा, पहले जानता था तुम लोग। yes, क्या जानता था, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, सॉरी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, बर्न किए। यहाँ अगर हवा नहीं होता तो हम जला पाते क्या, जलाने के लिए फिर फूकना पड़ता। बोलो जी। yes, सब मिलकर उधर से फूकता है जलता। तो मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किए, जलाए, बर्न किए, तो हमारा क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो जला हुआ राख था वो कैसा था, काला, सफेद था कि नहीं सफेद था। तो क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नीशियम को जलाने के बाद उसका जो राख बनता है वो कैसा बनता है, आप बोल दीजिए पीला बनता, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि हम लोग का जो अवक्षेप है वो पीला बनता, तो उसका हो पाएगा। अरे हाँ या ना बोलो यार, तो तुम लोग जला लेना अपना ठीक। चलो बस आज के प्रैक्टिकल में ये वाला हो गया, अब हम लोग दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं ठीक है। तो सर आप दूसरा क्या कर रहे हैं, हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब आप लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलिए क्या होता है, एक मिनट इसको दूसरा शॉर्ट मिले पूछिए ठीक है। अच्छा बताइए मैग्नीशियम को जब हम लोग जलाए थे तो हाँ मैग्नीशियम के साथ गैस तो थोड़ा थोड़ा निकल ही रहा था। yes, अवस्था में परिवर्तन। yes, sir. अच्छा रंग में परिवर्तन। yes, हुआ। yes, sir. अवक्षेप बना। yes, sir. ये इस तरह का जब भी कभी भी गैस का निर्माण हो, अवस्था में परिवर्तन हो, रंग बदल जाए या अवक्षेप, इनमें से कोई एक भी हो जाए, सब हो या ना हो, इनमें से कोई एक भी अगर हो जाए तो हम समझेंगे वहां कौन सी अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब आप लोग कभी किसी से, अब किसी का आशीद आशी न रहना कैसे होता है रासायनिक अभिक्रिया, हम भी बाप का जन्म में देखते कभी, ऐसा किसी को करना है क्या, सब निरुआ का क्या बोला रहे। चलो बंद करो वीडियो। तो चलो अच्छा फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिकल में, और एक नया एक्सपेरिमेंट हम अगला करने वाले। अबे रुक यार बोलने भी नहीं दे रहा यार। हाँ मतलब उंगली कर रहे कहेंगे तो उंगली। तो चलो जी फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में, और अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो विस्थापन वाला ठीक है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप लोग दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।